तो और मेरे घर भाई वो क्या हाल चाल आप लोग बताया कि सब लोग बढ़िया होंगे मस्त होंगे। तो गाइस आ चुका हूँ फिर से दोबारा से गेम प्ले लेके। गाइस मैंने पिछले 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया, उसका रीज़न है कि मैं थोड़ा सा काम पे बिजी था, बट अभी मैं आ चुका हूँ फिर से दोबारा से बैक। और भाई बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई आपने रैंक पुश छोड़ दिया क्या, तो भाई रैंक पुश नहीं छोड़ा क्योंकि मैं दूसरे आईडी से अभी खेल रहा था ना, जिस आईडी से मैं स्टार्टिंग से रैंक पुश कर रहा था उस आईडी को अभी फिलहाल के लिए मैं साइड में रख दिया और अभी दूसरा आईडी मैंने ले लिया जिस आईडी में 4300 पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया है और मैं 2 दिन के अंदर ना सीधा मैं पहुँचा दिया 4800 पॉइंट पे। और आज मेरा कॉन्करर कम से कम लगने वाला है, मतलब कल के दिन आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। और आज जो मेरा रैंक चल रहा है कम से कम 1000 के आसपास रैंक चल रहा है, तो आज के दिन पूरा दिन खेल के ना मैं कॉन्करर लगा लूंगा आराम से। अब इस वाले गेम प्ले में आपको बहुत ज़्यादा एक्शन ही एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने फुल रश करके इस वाले गेम प्ले को खेला था और इसका 4300 पॉइंट था ना, तो भाई मुझे कम से कम 200 या फिर 250 पॉइंट तो दिन का प्लस करना था। इस वजह से यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत रश करके खेल रहा था, भले ही मेरा माइनस लगे कुछ भी लगे क्योंकि मेरे पास कुछ भी ट्रेयर प्रोटेक्शन कार्ड वगैरह नहीं था, तो यहाँ पर मुझे डर भी लग रहा था, बट यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत खुल के खेला ताकि मुझे कोई भी डर वगैरह ना लगे। अब यहाँ पर तो मैं सबसे पहले तो लूट वगैरह अपना कंप्लीट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं बंदे ढूंढ रहा था भाई आसपास, यहाँ पर स्क्वाड हाउस पे भी चेक कर लिया, कोई भी बंदा था नहीं। यहाँ पर मुझे जाना था भाई यहाँ पर जहाँ से ऊपर जाते हैं ना बंदे, तो वहाँ पे भाई कोई ना कोई बंदा तो मिल ही जाएगा, इस वजह से यहाँ पर मैं इस उम्मीद में आता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक गाड़ी भी दिखता है और इस गाड़ी वाले बंदे को ना जो ही मैं उतारता हूँ, बस आप लोग देखो। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना बग्गी को रोकता हूँ और यहाँ पर मैं एक स्प्रे लूँगा ना, जिस स्प्रे में ये बंदा हो जाता है भाई नॉक, क्योंकि भाई ये बंदा ऊपर जाते जाते ही नॉक कर देता है इस बंदे को और भाई ये दोबारा से जैसे नीचे आता है और नीचे गिरते ही ये बंदा ब्लेड आउट होकर मर जाता है और भाई यहाँ पर मुझे एक इजी सा किल मिल जाता है। तो अब फटाफट से चलते हैं भाई दूसरी जगह पे। अब यहाँ पर मैं बग्गी लेके अपना जा ही रहा था बंदे ढूंढने के लिए, अब यहाँ पर मुझे मिल जाता है भाई एक बग्गी वाले बंदे और इस वाले बंदे को मैं जो ही गाड़ी से उतारता हूँ ना, इस बंदे को तो मैं नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ। लेकिन भाई उसका दूसरा जो बंदा है वो भाई जाता है स्क्वाड हाउस में और स्क्वाड हाउस में जाके वो बंदा छुप जाता है, लेकिन हम भी भाई किसी से कम नहीं भाई इसके ऊपर भाई कर देते हैं अंधा पुश। और सबसे पहले तो भाई नेड मॉली जितना भी हो सके सब कुछ ट्राई कर लेते हैं। एंड गाइस जब ये बंदा नहीं मरता इतना सारे नेट के बाद भी, तब जाके हम लोग भाई ऊपर करते हैं रस। अब यहाँ पर मैं लास्ट मॉली करने ही जा रहा था कि तभी मेरा टीममेट ऊपर जाके भाई इस बंदे को कर देता है खत्म और भाई यहाँ पे हो चुका इसका ऑल डेड। तो अभी तक तो मेरा 4 किल हो चुका था, अब यहाँ पर मुझे और भी किल निकालने थे क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने इस गेम पहले मैंने कम से कम 10 से 12 किल निकाला था। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि भाई रैंक पुश लोई में और ऊपर से भाई मेरा 4400-4500 पॉइंट हो चुका था, उसके बाद जाके मैंने इतना किल किया, इतना ज़्यादा मैंने प्लस निकाला था, आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा मुझे इस गेम के बाद प्लस मिला था। तो हमारा जो रिकॉल अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इस वजह से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे कि तभी एक गाड़ी आता है यहाँ से। सबसे पहले इस बंदे को मैं बहुत ज़्यादा डैमेज करता हूँ एक पीछे वाले बंदे को और यहाँ पर मैं एक नेट करने के लिए जा रहा था, बट यहाँ पर क्या होता है कि ये बंदा पुश करने की फिराक में था लेकिन ये बंदा भाई कर देता मेरे पे नेट, इस नेट से तो मैं बच जाता हूँ। इससे पहले कि वो दूसरा वाला नेट करे उससे पहले उसको मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन मुझे भी नॉक कर देता है उसी की नेट से। तो यहाँ पर भाई हो चुके हैं ऑल डेड क्योंकि मेरे टीममेट ने संभाल लिया फाइट को। अब यहाँ पर तो भाई मैं सबसे पहले तो फर्स्ट एड वगैरह लगाता हूँ। भाई इस बंदे को तो मैं ओपन में पकड़ता हूँ और इसको मैं सीधा नॉक एंड फिनिश डाल देता हूँ। और भी बंदे थे इस वजह से यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत स्कोपिंग करके देख रहा था, फिर बाद में जाकर मुझे एक और बंदा दिखता है। इस बंदे को भी मैं नॉक कर देता हूँ और इसका दूसरा बंदे का मैं इंतजार में था कि वो बंदा कब रिवाइव करने जाएगा इसको। ये बंदा जैसे रिवाइव करने के लिए जाता है उसी टाइम पे मैं इसको देख लेता हूँ क्योंकि इसका स्मोक आ चुका था पहले ही।
तो यहाँ पे तो हो चुका है भाई ऑन बीट टू क्लच। तो इस वाले क्लच के लिए तो आप लोग लाइक तो जरूर से कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग चैनल में नहीं हो तो। तो यहाँ तक तो मेरा हो चुका था भाई 8 किल और 8 किल के साथ अगर मैं चिकन निकालता हूँ ना तो भाई मुझे जो ही प्लस मिलने वाला है भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल। अब यहाँ पर तो भाई इधर उधर घूम रहा था क्योंकि हमको जॉन का सेंटर पकड़ना था या फिर कहाँ पे पकड़ना था हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस वजह से पर मैं सबसे पहले तो भाई जॉन के एज पे जाता हूँ ताकि मुझे कोई बंदा थर्ड पार्टी करके ना मार दे। अब यहाँ पर मुझे एक कूप रुकता हुआ दिखता है, इस वजह से पर मैं अपना गाड़ी को रोकता हूँ और इस बंदे के ऊपर देता हूँ स्प्रे। इससे पहले कि ये बंदा हमारा गाड़ी फोड़े इससे पहले ही निकल लेते हम लोग, क्योंकि भाई अगर गाड़ी एक बार फूट गया ना तो फिर तो भाई यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं निकल लेता अपना बग्गी लेके। लेकिन गाइस यहाँ पर हम लोग कहाँ पे जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हर तरफ भाई ओपन ही ओपन था। बट उसी टाइम पर एक गाड़ी पीछा कर लेता हमारा। तो भाई अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो भाई इस वाले स्प्रे के लिए तो यार कर ही दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना अगर आप लोग चैनल में नए हो तो, क्योंकि भाई ऐसे रैंक पुश आपको वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल में। एकदम कोरोना वाला जो घर था ना उसमें आके अपना बग्गी को ठोक देते। और यहाँ पे तो भाई बंदा था इसका मुझे पता था लेकिन भाई वो बंदा कहाँ पे कैंप करके बैठा हुआ मुझे उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और मुझे इसका अंदाजा चाहिए भी नहीं क्योंकि भाई वो बंदा जहाँ पे लेटा हुआ ना अकेला लेटा होगा इसी वजह से वो बंदा यहाँ इतना ज़्यादा शांत है। तो इस वजह से इस बंदे को तो अभी के लिए शांत रहने देते जब तक कि हम लोग भी यहाँ पर सर्वाइव कर लेंगे और भाई जब तक जॉन है तब तक यहाँ हम लोग सर्वाइव आराम से कर ही सकते। और जॉन देख सकते कि थोड़ा सा हमसे दूर हो चुका है तो इस वजह से हम लोग को तो भाई फिर से जॉन के अंदर जाना है। लेकिन भाई यहाँ पे दिक्कत है कि एक और बंदा है जो कि हमारे जस्ट कोई कंपाउंड पे वो बंदा छुप के बैठा हुआ है और उसका डर था कि भाई वो बंदा कभी हमको निकल के दोनों को ऑन बी टू ना कर ले। इस वजह से सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्मोक करता हूँ और दोबारा से एक और स्मोक करता हूँ और कम से कम यहाँ पर मैं 3 से 4 स्मोक कर देता हूँ ताकि यहाँ पर मैं आराम से निकल सकूँ जॉन के लिए। तो यहाँ पर तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर जा ही रहा था लेकिन भाई यहाँ पर और एक स्मोक की जरूरत था क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ओपन था। तो यहाँ पर मुझे डर था कि भाई ये पीछे से जो ये घर वाला है ना ये मुझे ना मारे। सबसे पहले यहाँ पर मैं स्मोक के अंदर आता हूँ और मैं यहाँ पर दिखता रहता हूँ कि भाई वो बंदा है तो है कहाँ पे। कि तभी ये बग्गी वाला आता है इसको कि मार देता हूँ मैं आराम से। और इस भले रिफ्लेक्स के लिए तो यार एक लाइक तो फिर से दोबारा से कर देना अगर आप लोगों ने पहले लाइक कर दिया तो यार दोबारा से मत दबाना बटन को। तो भाई यार आप लोगों को लाइक करते करते यार देख सकते हो कि मेरा गेम हो चुका है खत्म और मुझे मिल चुका है भाई 31 का प्लस। और आप लोग बताना जरूर कि आपको ये वाला गेम प्ले कैसा लगा। फिलहाल तो यार मेरा रैंक चल रहा है 1000 और जल्दी मेरा कॉन्करर लग जाएगा। फिलहाल के लिए तो भाई इस वीडियो में इतना था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर गाइस मिलते हैं इस नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।